हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आना था, ऑफिशियल साइट पे तो नहीं आया बट लीक हो गया कहीं से, जैसे हर साल हो जाता है एयरफोर्स नेवी का नोटिफिकेशन लीक, वैसे फिर से हो गया। ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास है। ठीक है, और ये पूरा नोटिफिकेशन है और इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन मिली कि नहीं मिली, वो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स भरेंगे, उनका एज लिमिट क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एज लिमिट के बारे में, बहुत लोग परेशान है। और इस बार कुछ बदलाव हुआ है आपके फिजिकल के अंदर, वैकेंसीज कितनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और वैकेंसीज ऑब्वियसली पहले किसी को कुछ पता होता नहीं है। ठीक है, बाकी गर्ल्स के लिए क्या मेजरमेंट होगा, ये सभी चीज़ें इसके अंदर, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, ब्रीफ में वीडियो बनाऊंगा 10-8 मिनट के, और बाद में जब है ना फ्री टाइम में इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियोज बनेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन को लेकर, हमारी जो लाइव मॉक टेस्ट आएगी, हमारी ऐप जो है बन रही है। ठीक है, जल्द ही कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड की भी लाइव मॉक टेस्ट आएगी और एयरफोर्स की भी मॉक टेस्ट आएगी। तो ऐप जो है बन रही है, जैसे ही आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस फ्री में भी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करोगे आप लोग। तो चलो, इसका बहुत ही जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना, तो बहुत ही ब्लर टाइप का दिख रहा है। तो सबसे पहले ये फॉर्म कब से कब फिल होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है 18 जनवरी से है ना, वो छोड़ो, ये देखो फॉर्म अप्लाई होने का जो डेट है 7 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक चलेगा आपका। 7 नवंबर से मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक में ही होगा और 23 नवंबर तक चलेगा। काफ़ी लंबा समय दे दिया गया है यहाँ पे, चलो ठीक है, कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, 15-16 दिन का टाइम है यहाँ पे। एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, 18 जनवरी से 24, मतलब मिड जनवरी के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ पे पहली बात तो ये जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा विजिबल है नहीं ये PDF। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है ना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं इसका कंप्लीट PDF आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो कह रहे ना अग्निवीर वायु अग्निपथ जो है ये चीज़ है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलो ये ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये तो मैंने बात कर दिया, वही चीज़ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक होगा 27 जून 2002 से लेके 27 दिसंबर 2005, ये दोनों डेट वैलिड है, चाहे आप मेल हो चाहे वाई हो, ठीक है, दोनों भरेंगे। और कह रहा है इन केस अ कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्योर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। देखो, अगर इनरोलमेंट को आपका इस एज को मतलब 21 साल क्रॉस कर जाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पे क्लियरली मैंशन है नहीं आपको। तो बस यही कह रहा है कि वो 21 साल का होना चाहिए बस। ठीक है, 21 साल का होना चाहिए इनरोलमेंट के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि मतलब 22 साल के हो गए वो नहीं चलेगा, इनरोलमेंट के टाइम पे। और वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ पे आपको अनमैरिड होना चाहिए। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो चीज़ें सेम है यहाँ पे। साइंस सब्जेक्ट कहा जाए ना, तो इसको देखो ध्यान से, फॉर्म फिलअप कराते समय ध्यान देना, जितने बच्चे पहले एक्स ग्रुप को जानते थे ना, वो साइंस सब्जेक्ट के नाम से जाना जा रहा है, एक्स ग्रुप, जिसमें 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए भरना चाहते हो तो वो सेम चीज़ें हैं, आपके 12th क्लास में ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बट साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश होने चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में भी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का, और उसमें भी वही चीज़ है, परसेंटेज का क्राइटेरिया कि 50% के साथ होने चाहिए। ठीक है, और वहीं पे आप वाई ग्रुप, जिसको हम लोग नाम बदल दिया गया है, अदर देन साइंस। ठीक है, साइंस बोले तो एक्स ग्रुप और अदर देन साइंस बोले तो वाई ग्रुप। देखो, इसके अंदर चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे बायो से हो, मतलब कुछ भी है, मतलब साइंस है, साइंस में भी बायो वगैरह है, मैथ नहीं है फिर भी चलेगा, बट इंग्लिश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं आर्ट से भी है और इंग्लिश हमारा है भी नहीं, 50 नंबर का इंग्लिश है लेकिन होना चाहिए। ओवरऑल आपके 12th में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश जो भी है, टोटल पेपर 85 नंबर का इंग्लिश होता था, एटलीस्ट उसका 50% मतलब 25 नंबर, या फिर 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है तो उसका 50% बोले तो आपका 50 नंबर, ऐसे जो भी है इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए, और ओवरऑल 12th में भी आपके मतलब क्या कहते हैं 50% होने चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, यहाँ पे कोई रिलेक्सेशन उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात फिर से मैं कह दूँ, यहाँ पे कास्ट का कोई सीन नहीं है। जैसे आपको कोस्ट गार्ड देता है, कहता है ना कि OBC को 3 साल एज रिलेक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे नोट 1, 2, 3 दे रखा गया, इसको जरा पढ़ना आप लोग बढ़िया से। ठीक है, PDF में दे दूंगा, खैर यहाँ पे मुझे बताने वाली कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर, जब भी और भी इसके ऊपर वीडियोस बनेंगी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते जाऊंगा, बाकी आप नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ना। अब देख लो यहाँ पे हाइट के लिए जो है, मेल एंड फीमेल समझो, मिनिमम जो एक्सेप्टेबल हाइट है 152.5 सेम है फॉर मेल कैंडिडेट। ठीक है, और 152 जो है यहाँ पे फीमेल के लिए, गजब का है यहाँ पे देखो, 0.5 सेंटीमीटर्स का सिर्फ अंतर है लड़का लड़की के बीच में। ठीक है, लड़का है तो 152
सर 152 या फिर 152.5 से एमएस होना चाहिए, लड़की है तो 152, इससे कम की गर्ल्स को भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे वेट जो है, वेट का कोई सीन नहीं है, हाइट के अकॉर्डिंग है, अगर मैक्सिमम जितना हाइट है वैसा आपका जो होना चाहिए वेट भी होना चाहिए। अगर मान लो 6 फीट के हो और वेट आपका 50 किलो है तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है, 62 से 65 किलो एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। बाकी ये हाइट मतलब वेट का यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे, बहुत आगे का प्रोसेस है वो तो अपने हाथ में, हाइट अपने हाथ में नहीं है, जो भी था मैंने बता दिया, ठीक है। चेस्ट वगैरह है जो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट है, ठीक है, 77 जो है सीएमएस एक्सपेंड करना चाहिए, सॉरी 70 सीएमएस मिनिमम होना चाहिए, 77-77 और 5 सीएमएस आपका एक्सपेंड करना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ जो है यहाँ पे 4 फीमेल है जो यहाँ पे, उनको भी 5 सीएमएस एक्सपेंड करना है मिनिमम, मिनिमम चेस्ट का गर्ल्स को कुछ नहीं है बट एक्सपेंशन का जो है 5 सीएमएस करना है, ठीक है। और कॉमन सर्जरी के बारे में कह रहा है PRK या फिर जो किसने आँख का जो है ना, मान लो किसी ने आँख का सर्जरी करा रखा है, PRK सर्जरी या फिर लैसिक सर्जरी किसी ने करा रखा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पकड़े जाओगे भगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। हियरिंग का जो है वो सब छोड़ो, आगे का चीज़ है, 6 मीटर से सुनना चाहिए आँख आपकी, 6x6 और मतलब 6x12 होना चाहिए, ठीक है, और 6x6 और 6x12 का क्या सीन है वो भी समझ लो। यहाँ पे जो लिखा है उसके ऊपर मत जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपसे 6x6 ले ही लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका, अगर आप राइट हैंड से यूज़ करते हो तो राइट हैंड आपका 6x6 होना ही चाहिए, लेफ्ट अगर 6x12 भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आज बाकी चीज़ें हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया, अब पेमेंट वगैरह तो फिर यहाँ पे कुछ भी बात करने वाली चीज़ नहीं है। नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें थी मैंने बेसिक यहाँ पे बता दी है, और इसके बारे में पहले से दुनिया भर की यूट्यूब पे, अब आगे किसी ने अगर टैटू वगैरह ऑडियो बना लिया तो बच के रहना या फिर आगे जाके मत बनवाना। एग्जाम डेट के बारे में मैंने बता ही दिया और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड और कुछ मैं बताता हूँ, सुनो। पेमेंट वगैरह के बारे में कुछ चाहिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और आधा अधूरी नोटिफिकेशन बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है फिजिकल के बारे में पूछ रहा था ना, वो जो होगा ना आपका सिलेबस क्या है तो देख लो। साइंस वाले को मतलब एक्स ग्रुप वाले को 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, इंग्लिश फिजिक्स और मैथ के लिए। वहीं पे अदर देन साइंस वाले को जिसमें कि आपका 45 मिनट होगा इंग्लिश और रागा होगा। इसके ऊपर डिटेल में सिलेबस के ऊपर बनेगी वीडियो, टेंशन मत लो, अभी वीडियो तो बनेगी, अब वीडियो नहीं बनी तो कब बनेगी, ठीक है। और जो एक्स एंड वाई दोनों से भर रहे हैं उनको 85 मिनट दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा उस पर भी डिपेंड करता है, ये चीज़ मैं ध्यान से बताऊंगा आपको, सुनो। जो दोनों से भरेंगे उनको पूरा रागा, फिजिक्स मैथ वो चीज़ें अलग से आएंगी और इंग्लिश अलग से आएगा। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपकी जो है ना 12th का मैथ आपको आता है, 12th का फिजिक्स आता है तो आप साइंस स्ट्रीम से भरना, अदरवाइज आप सिर्फ अदर देन साइंस से भरना। बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, पूरी प्रोसेस को देखेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने किया क्या था ना यहाँ पे, कि जैसे वाई ग्रुप से सिर्फ फिल नहीं कर पाते थे वो जो साइंस से पढ़े हुए थे, उनको एक्स एंड वाई दोनों भरना था। इस बार देखते हैं क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल में क्या चेंजेस है वो सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ बात नहीं होगा, फिजिकल के बारे में देख लो, फिजिकल के बारे में देखो। PET जो है ना यहाँ पे सबसे सब पहले समझो, यहाँ पे देखो 10 पुशअप वगैरह तो चलो ठीक है, सबके लिए है, मेल फीमेल सबके लिए। देखो रनिंग के बारे में कुछ चेंजेस है बात करेंगे। देखो मेल के लिए 10 पुशअप 10 सिट्सअप और 20 स्क्वाट्स हैं, बहुत ही आसान है। फीमेल के लिए देखो यहाँ पे 10 जो है आपका सीटअप है और 15 स्क्वाट्स है, ये सभी चीज़ें ठीक है ना। और फीमेल का क्या है ना, वो नहीं है, पुशअप नहीं है। अभी मेल कैंडिडेट का देखो रनिंग के बारे में कह रहे ना 7 मिनट कर दिया, ये देखो पिछली बार 1600 मीटर का 7 मिनट, ठीक है, और 1600 मीटर 8 मिनट के अंदर फीमेल को करना है, 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, 1600 मीटर करना ही है 8 मिनट के अंदर, और उनको 7 मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया दे रखा है ना, तो 1600 मीटर से कम नहीं किया, 8 मिनट में ले लिया। तो गर्ल्स प्रिपरेशन के साथ में रनिंग भी तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे फिजिकल खराब होता है। अब यहाँ पे देखो 7 मिनट किया गया बिकॉज पिछली बार मुझे ऐसा अज्यूम करता हूँ कि बहुत सारे लोग फिजिकल में PET में बहुत अच्छे अच्छे स्कोर वाले आउट हुए, ठीक है, 6.5 मिनट दे रखा गया था तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने नहीं कर पाया, निकल गया। और आपको पता है कि PET में ऐसे ऐसे बच्चे निकले जिसका मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई था, तो जब बच्चे मिलेंगे नहीं तो फिर वैकेंसी निकालने का फायदा क्या, जब बच्चे ही फिजिकल में आउट हो जा रहे हैं। 7 मिनट दिया गया, अब इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं हो सकता, रेंगते रेंगते भी पार हो जाओगे अगर तैयारी होगी तो। बाकी गाइस इसके अलावा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं अभी, बाकी सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियोस आएंगी। बाकी फिर से इसकी क्लासेज आपको 5 नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ध्यान से सुनो, 5 नवंबर से दबा के इसकी क्लासेज हो जाएंगी और 4 से 5 दिन के अंदर हमारी एप्लीकेशन बन जा रही है। एप्लीकेशन में बहुत सारे मतलब आपको फ्री में टेस्ट वगैरह, कुछ पेड टेस्ट वगैरह फ्री में, मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत कुछ मिलेंगे। वेट करो और ATZ स्टडी को सब्सक्राइब करके बने रहना जितने भी, और इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ की जो है ना, अग्नि मतलब क्या कह सकते हैं इसको,
अग्निवीर जितने भी हैं होने वाले हैं उनके लिए आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे नंबर से क्रैक करना चाहते हो, तो रिटेड स्टडी से बनो, क्योंकि आपको ही पता है पिछली बार बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमने दिया था, हमने सिर्फ हल्ला नहीं किया, रिजल्ट इतना आया, हमने प्रूफ दिखाया कितना ज़्यादा रिजल्ट आया था, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ए टू जेड स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करना, @ATOZSTUDY आपको मिल जाएगा, 14,000 के आसपास बच्चे हैं वहाँ पे, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।